गाइस टफ गेमिंग की टफ अनबॉक्सिंग तो हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में इस Asus टफ F15 का टफ गेमिंग टेस्ट। तो समझ गए होंगे टाइटल थंबनेल देख के कि भाई इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे गेम्स को टेस्ट करेंगे Asus टफ F15 में, ताकि हमें इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस पता चल जाए। और ये वाली वीडियो डेडिकेटेड वीडियो है गेमिंग रिव्यू के ऊपर, और इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी बन चुकी है। अगर किसी ने भी नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके आप देख सकते हो इस लैपटॉप का कंप्लीट अनबॉक्सिंग, जिसमें मैंने गेमिंग के अलावा सारी चीजें कवर की थी। गेमिंग हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो, क्योंकि भाई डेडिकेटेड रिव्यू का मतलब यही होता है कि इसमें आपको सारी चीजें पता चल जाए इस लैपटॉप के बारे में, तो थर्मल वगैरह हर चीज आपको पता चल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे गेम्स बढ़िया बढ़िया टेस्ट करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष, आप देख रहे हो अनबॉक्स टेक। चलिए गाइस, तो गाइस टफ गेमिंग लैपटॉप है, तो गेमिंग टेस्ट तो बहुत टफ होगा। और मैं आपको पहले इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूं कि भाई ये जो लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं इस वाले टेस्ट में, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो हमारे पास इसका जो प्रोसेसर है वो है i5 10th जनरेशन, ग्राफिक कार्ड इसके अंदर 1650 Ti है, 8GB की रैम है 2933 MHz वाली, क्योंकि इंटेल में उतनी ही आती है। और स्टोरेज की बात करें तो भाई स्टोरेज बहुत सारी है इसमें, 1TB की हार्ड डिस्क के साथ 512 यानी कि 512GB की SSD भी है इसके अंदर। तो गेम भी अगर आपको फास्ट तरीके से रन कर रहे हैं तो SSD में गेम भी डाल सकते हो, क्योंकि भाई कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इस लैपटॉप के अंदर। तो चलिए फिर इसका गेमिंग टेस्ट शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि भाई सपोर्ट कर सकते हो तुम भाई सब्सक्राइब करके। तो चलिए फिर इसका गेमिंग टेस्ट शुरू करते हैं। तो गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात इस लैपटॉप के अंदर जो हमें प्रोवाइड की जाती है वो है 144Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि गेमर्स के लिए बहुत मैटर करता है। जो भी हार्डकोर कॉम्पिटिटिव गेमर्स होते हैं तो भाई साहब आपको रिफ्रेश रेट तो बहुत तगड़ा चाहिए होता है, तो इस लैपटॉप में आपको वो मिल जाता है। तो ये एक और स्पेशल क्वालिटी है इस वाले लैपटॉप के अंदर कि डिस्प्ले में आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली, और ब्राइटनेस वगैरह सारी चीजें एकदम मस्त है, तो गेमिंग में तो भाई साहब मजा आ जाएगा। और भी अगर आपको कोई प्रोफेशनल काम करना है तो आप सारे काम कर सकते हो इस लैपटॉप के साथ, और बैटरी बैकअप भी आपको नॉर्मल यूसेज पे 3-4 घंटे का देखने को मिल जाता है। तो वो सारी डिटेल्स आपको अनबॉक्सिंग वाली वीडियो मिल जाएगी, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके देख सकते हो। तो फिलहाल गेमिंग टेस्ट को शुरू करते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट गेम टेस्ट कर रहे हैं वो है Assassin's Creed Odyssey, एंड यहां आप ग्राफिक सेटिंग्स देख सकते हो कि भाई सारी हाइपर है ऑलमोस्ट। वैसे बहुत ही हैवी गेम है, तो देखते कि कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस इस लैपटॉप पे हमें देखने को मिलती है। तो गाइज यहाँ आप एवरेज FPS देख सकते हो कि हमें यहाँ पर कितने देखने को मिले, और FPS जो थे वो 30 से 40 के बीच फ्लक्चुएट कर रहे थे, और टेम्परेचर हमारा 88 डिग्री पे जाके सेट हो गया, इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा। तो यार इतना तो देखो जाता है गेम में, इतना टेम्परेचर कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100 डिग्री तक पहुंचे तो दिक्कत की बात है, लेकिन 90 डिग्री तक, 88 डिग्री, 85 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए दूसरा गेम खेल के देख लेते हैं। सो गाइज अब हम टेस्ट कर रहे हैं Red Dead Redemption 2, और ये मैं आपको इसकी ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूं। सारी चीजें हाई पे सेट है और कुछ चीजें मीडियम पे सेट है, जो कि फेवरेबल कंडीशंस होती है, मैंने उन्हीं पे रखा हुआ है, और यहाँ आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। तो चलिए Red Dead Redemption 2 का टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमें इसमें इसकी कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ आप सारी चीज देख सकते हो, और FPS की बात करें तो यार हमें 40 के आसपास FPS इस गेम में देखने को मिल रहा है, जो कि इस गेम के हिसाब से मैं बेकार नहीं कहूंगा, क्योंकि ये गेम बहुत ही ज्यादा हैवी गेम है, 120GB की मतलब स्टोरेज खा जाता है ये गेम। तो अब आप सोच सकते हो कि कितना भारी गेम होगा ये, और ये गेम लैग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई भी बड़े से बड़ा गेम आप आराम से चला सकते हो, चाहे वो साइबरपंक हो या GTA 5 हो। तो फिलहाल हम वो तो टेस्ट नहीं करने वाले इस गेम टेस्ट में, लेकिन हाँ आप इस गेम से अंदाजा लगा सकते हो कि उनमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और टेम्परेचर की बात करें तो यार टेम्परेचर बिल्कुल भी राइज नहीं हो रहा इतने बड़े हैवी गेम के बाद भी। तो गाइस चलिए अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं, ये गेम तो टेस्ट हो चुका है, अब कोई और गेम टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस अब जो हम गेम टेस्ट करने वाले हैं वो है Witcher 3 द वाइल्ड हंट, और ये भी बहुत बड़ा गेम है। तो फिलहाल हम तीनों ये जो गेम भी हमने टेस्ट करे तीनों बहुत ही बड़े बड़े गेम्स थे, तो परफॉर्मेंस आपको इन हैवी गेम्स पर चल जाएगी भाई इस लैपटॉप पे आपको कैसी मिलेगी। फिर इसके बाद हम इसके थोड़े हल्के गेम्स भी टेस्ट करके देखेंगे कि उनमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो चलिए फिलहाल Witcher 3 को शुरू करते हैं। तो गाइज अब आप देख सकते हो कि Witcher 3 में आपको किस तरह के FPS वगैरह सारी चीज देखने को मिलेंगी इस वाले लैपटॉप में। तो आराम से आपको 60 के आसपास FPS देखने को मिल जाएंगे इस लैपटॉप में इस वाले गेम के साथ, और टेम्परेचर भी 85 डिग्री तक ही जा रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और गेम के ग्राफिक्स और मतलब लैग वगैरह बिल्कुल भी आपको इस गेम में देखने को नहीं मिलता, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो यार ये था Witcher 3 का टेस्ट। तो गाइज अब हम टेस्ट कर रहे हैं Valorant को, और यहाँ पर आप ग्राफिक सेटिंग्स देख सकते हो कि सारी हाई पे मैंने कर रखी है सेट। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं कि हमें कैसा फील आता है Valorant के अंदर, क्या FPS वगैरह सारी चीज देखने को मिलती है। तो देखते हैं यार हम कितने बंदों को छेद पाएंगे। ये देखो क्या कर रहा है भाई दीवार के अंदर घुस के, ओहो मार दिया भाई को। चल साइड दुश्मन,
भाई साहब ये क्या था। तो गाइस यहाँ आपको आराम से 100 पार FPS देखने को मिल रहे हैं यार, बहुत ही बढ़िया बात है। और टेम्परेचर आपका 80 डिग्री भी मुश्किल से टच हो रहा है, तो भाई साहब खतरनाक परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप के साथ, इस वाले गेम के अंदर भी। चलिए अगला गेम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो अब अगला गेम टेस्ट करने वाले, जो कि थोड़ा सा हल्का गेम है ये भी वैलोरेंट की तरह, तो ये है एपेक्स लीजेंड्स। तो इसको टेस्ट करेंगे और फिलहाल आप इसकी ग्राफिक्स देख लो क्वालिटी मैंने सेटिंग्स के अंदर क्या रखी हुई है। तो यहाँ आप इसके ग्राफिक्स देख सकते हो कि मैंने सारे ग्राफिक्स को हाई पर सेट कर दिया है। चलिए गेम स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं में कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो गाइस इस वाले गेम में भी आपको आराम से 70 के आसपास FPS देखने को मिल जाएंगे और टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा राइज कर दिया इस वाले गेम ने, 90 तक पहुंच चुका है टेम्परेचर। पर ये अपने आप डिक्रीज भी होता रहता है तो वेरी कर जाएगा टेम्परेचर से, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ग्राफिक क्वालिटी यार आप देख सकते हो और परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी, एक भी गेम लैग नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ जितने भी गेम्स मैंने इसमें टेस्ट करे हैं। तो गाइस परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही तगड़ा लैपटॉप है, अगर खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां जाके खरीद लोगे तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी है सारी टेस्टिंग जो हमने करी इन सारे गेम्स की। तो गाइज ये थे कुछ 5 गेम टेस्ट जो हमने इस लैपटॉप के अंदर आपको करके दिखाने थे और वो हमने करके दिखा दिए। तो आप में से किसी का भी इस लैपटॉप को अगर खरीदने का मन हुआ हो ऐसा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो। और अगर उस लिंक से खरीद लोगे तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा ताकि ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज आते रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस लैपटॉप से रिलेटेड तो मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ, वहां पे जाकर आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। एंड गाइस अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस लैपटॉप के साथ ये गेमिंग परफॉर्मेंस और सारी चीजों का, तो वो बहुत ही बेहतरीन था। ये लैपटॉप हर चीज लेकर के आता है अपने साथ और बहुत ही डिसेंट प्राइसिंग के साथ आता है, ये इसकी सबसे बढ़िया बात है। एंड इस प्राइसिंग में यार आपको मेरे को लगता है कि किसी भी और दूसरे लैपटॉप में सेम स्पेसिफिकेशन के साथ इतने तगड़े फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो मैं डेफिनेटली ये वाला रेकमेंड करूंगा आपको। लैपटॉप तो खरीदना हो तो फिर से कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ले लेना, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट हो जाएगा और ऐसी तगड़ी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर पहली बार देख रहे हो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपके पास सारे अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। माला भाई ऐसा नहीं केरोसिन है संभाला, बस 5 साल रुक पूरा सीन है संभाला भाई। काली काली और कला है लिपास और काली काली और कला है बिंदास और